सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी एडवांस में ही अपनी हर फसल के लिए ऐसे न्यूट्रेंट तैयार करें अपने घर पे ही, जो हमारी हर फसल में पैदावार बढ़ाने में और उसको साइज बड़ा करने में और रोगों से बचाने में और हमारे जो पौधों को किसी भी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो हर तरह से पूर्ति करने में बहुत बड़ा ज़बरदस्त सहायक होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई माइक्रो न्यूट्रेंट, यानी कि हर तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में। तो उसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आज हम आपको बताएंगे भी बनाने से लेकर उसको कैसे उपयोग करते हैं, उसको क्या क्या फायदे हैं उसके। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा दें और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे को आवश्यकता क्या पड़ेगी भाई, कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, हमारे को एक ड्रम की आवश्यकता होगी और भाई उसके अलावा हमारे को वेस्टी कंपोजर कल्चर की आवश्यकता होगी और जो भी दालें यानी कि दलहन, लगभग आपको 6 से 7 तरह की दाल लेनी है, आप भाई 5 तरह की भी ले सकते हैं जो भी आपके घर पर उपलब्ध है। अच्छी तरह से साफ़ सुथरी दाल लेनी है, बाज़ार से अगर कोई दाल लेके आए तो उसको पहले आप एक बार ज़रूर धो लें, धोने के बाद ही जितनी भी जो दाल लेके आए बाज़ार से उसको आपने सबको बारीक पाउडर बना लेना है, मिक्सी के अंदर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। जैसे अगर हमने ज़रूरत है भाई 100 लीटर की, तो 100 लीटर में आपने 1 के जी हर तरह की दालें डालनी है पाउडर बना के, और दो या तीन तरह के ओलिया सीड उनको भी आपने बारीक पाउडर बनाना है, वो भी आपने 1 के जी डालना है। अगर आप 200 कर रहे हो तो इसको 2-2 के जी ले सकते हो। उसके बाद हमारे को आवश्यकता पड़ेगी भाई कॉपर, तांबा, उसके लिए कोई बर्तन ले सकते हो, कोई नट बोल्ट ले सकते हो या उसका तार ले सकते हो। इसके बाद कुछ हमारे को आवश्यकता पड़ेगी लोहे की, उसके लिए कील, नट बोल्ट वगैरह आप लोहे का कोई भी सामान ले सकते हो। तो कुछ से जैसे हमने अगर 100 लीटर बनाना है तो हमारे को 1 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। कई किसानों के पहले भी काफ़ी कमेंट आते हैं, हम कोई भी वो करते हैं, कोई भी विधि बताते हैं भाई, जैसे जैविक कीटनाशक हम गौमूत्र के साथ बनाने वो क्या कहते हैं, पानी के साथ नहीं बन सकता। तो जिस किसान भाई के पास वैश्डी कंपोजरा कल्चर नहीं है, सेम विधि है लेकिन वो थोड़ा लेट प्रोसीजर में आता है, थोड़ा बनने में समय लगता है, तो उसके लिए आपने गुड़ की मात्रा बढ़ा देनी है, यानी कि जो आइटम डालें उसका डबल मात्रा में गुड़ कर देना है। जैसे आपने 1 के जी डालना है वैश्डी कल्चर के साथ है, तो उसको 2 के जी डालना है। तो इस तरह से हमने ले लिया भाई, अभी ये हमारे पास ये 50 लीटर का ड्रम है, इस ड्रम के अंदर है हमने वैश्विक कल्चर डाल लिया है और ये हर तरह के हमने जितने भी हमारे पास जितने दालें थी हर तरह की दालों का हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। ये दाल आप कोई भी, जैसे मूंग की है, मसूर की है, उड़द की है, चने की है, अरहर की है, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी दाल ले सकते हैं। मैं अलग अलग सबका नाम नहीं बताऊंगा, ये आपको हर दालों को इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। ये हमने 50 लीटर वैश्विक कल्चर ले रखा है, तो इसके अंदर हमें आधा आधा केजी हर तरह की जितनी हमारे पास दालें हैं हर तरह की दालों को इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको साथ के साथ आपने घुमाना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं घुमाएंगे तो ये दाड़े की गाँठें बन जाएंगी, तो साथ के साथ इसको घुमाते रहें, इसमें मिक्स कर दें इसको साथ के साथ। ये मिश्री की दाल है,
ये हरे मूंग की दाल है। तो इस तरह से जितने भी आपके पास दालें हैं सबको आप बारी बारी इसके अंदर डाल दें। ये अरहर की दाल है, इस तरह से आपने बारी बारी सभी दालों को इसके अंदर डाल देना है और इसको मिलाते रहना है। अगर इसके अंदर जो गांठें रह जाती है, कई बार ये मिक्स नहीं होगी, तो आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं। आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए साबुन से, वैसे आप नॉर्मल हाथों से इसको ना मिलाएं, हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए तभी इसको मिलाएं। इसके बाद ओलिया सीड में आप सरसों, ये हमारे पास सरसों की सीड है, हमने उसको अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। ये हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, ये हम बचा लेते हैं, रख लेते हैं। और ये तिल है, इस तरह से आप हर आइटम इसके अंदर डाल दें। और ये लोहा भी इसके अंदर डाल दें और ये गुड़ का घोल बना के डाल सकते हैं, या इसको बारीक कूट के डाल सकते हैं, या ऐसे डालेंगे तो ये थोड़ा हाँ लेट इसमें मिक्स होगा। हम ऐसे डाल रहे हैं फिलहाल। और जैसे मैं बोल रहा था, अगर हाथ साफ हैं तो इस तरह से आप इसको जो आपको दिखाई दे रही है डली, इसकी जो गांठें बन जाती हैं, पाउडर होता है बारीक इसलिए गांठें बन जाती हैं, तो इसको इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर दें। इस तरह से इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई भी इसके अंदर गांठें ना रहे। इसको अच्छी तरह इस मिला दें। और ये भी बर्तन भी इसके अंदर छोड़ दे। अगर नट बोल्ट है वो डाल दे, कील है कि तांबे की कोई भी वो डाल दे, तार है तार डाल दे, या कोई बर्तन डाल दे, और इसको अच्छी तरह से सुबह और शाम 5 मिनट, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को आपने डेली घुमाना है इसको 8 से 10 दिन, और इसको ढक के रख देना है। जब गर्मी का समय है तो इसको छाया में बनाए, और सर्दी में तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा ठंड पड़ती है वहां आपने एक चीज का अवश्य ध्यान करना है, इसको कवर कर देना है किसी मोटे कपड़े से। तो इसको कवर करेंगे तो ज्यादा इसको ठंड का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जो जीव होते हैं हमारे, वो ठंड में नुकसान, ठंड के नुकसान से वे मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो आप इसको ढक के रख सकते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल कवर कर दे। अब बात आती है भैया, लगभग हमारा सर्दी में 14 से 15 दिन में तैयार हो जाता है, और जो गर्मी का समय 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसके ऊपर एक परत नजर आ जाएगी, जैसे आपको परत नजर आ जाएगी तो आप समझ लें आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब बात आती है इसको यूज कैसे करें, इसको यूज करने का तरीका क्या है। हर जो भी हम जैविक विधि से, कोई भी जैविक कीटनाशक है, या भाई हमारा वैश्विक कल्चर है, या हमारा जीवामृत है, या सरसों की खड़ी का फर्टिलाइजर है, हर किसी के साथ मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका अकेले भी स्प्रे कर सकते हैं। 10% हम इसका ये लेंगे घोल बना हुआ, और बाकी हम पानी मिला के या और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो मिला के लगभग 40-50% और बाकी पानी मिला के हम हर किसी भी फसल पे इसका छिड़काव कर सकते हैं, चाहे हमारे पास किसी भी तरह की खेती हो। इसकी स्प्रे आपने कब कब करनी है, इसकी स्प्रे वैसे तो हर खेती में आप कभी भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये हमेशा हर तरह के न्यूट्रेंट की भरपूर मात्रा होती है इसके अंदर, वो आपके पौधे को न्यूट्रेंट अवेलेबल कराता है। और इसके जो खास जो रिजल्ट आपने ज़्यादा लेने हैं, तो जिस समय आपकी कोई भी बागवानी की अगर बात करें, तो जिस समय फ्लावरिंग जब आता है तो फ्लावरिंग के समय इसकी स्प्रे अवश्य लगाएं।
या जिसमें जैसे हम आम फसल है, गेहूं है, या भाई धान है, या भाई ज्वार है, बाजरा है, उस समय जब गव्य के अंदर जो हमारी जो फसल आ जाती है तो उस समय इसकी स्प्रे अवश्य लगाएं। उसके बाद जब बाली हमारी निसट जाती है या हमारी जो फूल जिसमें फूल आए हैं, सब्जी खेती है उस पर जब हमारा फल स्टार्टिंग हो जाता है छोटे लेवल पे, जब फल बनना शुरू हो जाता है उस समय स्प्रे लगाएं, और जब हमारा फल बन जाता है तब उस समय स्प्रे लगाएं। इसकी जितनी भी स्प्रे लगाएंगे उतना ही आपकी हर फसल में ये बहुत बड़ा लाभदायक है। इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं और आपके फल के आकार को बढ़ाएगा, आपके जो है उसके अंदर चमक भी लाएगा और उसका बड़ा सुंदर आकार दे देता है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो आपका दाना मोटा हो जाता है, उस पर रंग, उस पर सुनहरी आ जाती है, वो मार्केट में अच्छे दाम पे बिकता है। इसी तरह जब हम कोई भी सब्जी खेती करते हैं तो उस सब्जी में जैसे मान लें टमाटर है, भिंडी है, गोभी है, भाई आपका मिर्ची है, कोई भी है, शलगम है, मूली है, जिस भी हम इसकी स्प्रे करते हैं तो उसका जो आकार होता है आकार भी बड़ा होता है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ ही उस पर चमक आ जाती है और वो आपके प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। आप किसी भी कोई भी जैविक भी देश का मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, 40-50% से ऊपर ना जाएं, 40-50% ये सारा आइटम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद भाई पानी मिला के और स्प्रे कर दें। और बात आती है भाई, कई किसानों के एक सवाल होता है कई बार, वो कहते हैं जी इसको हमें कब तक रख सकते हैं, स्टोर कब तक रख सकते हैं। इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसका तरीका क्या है, इसका अगर हमने मान लिया, सपोज करो हमने 50 लीटर बना रखे, हमारे को आवश्यकता है 10 लीटर की, तो हम इसमें से 10 लीटर निकालेंगे, 10 लीटर निकालने के बाद हम उसका यूज कर लेंगे और जो बाकी 10 लीटर निकाला इसमें वापिस हम 10 लीटर वेस्टी कमरा कल्चर डाल देंगे। और ये जब तक चलेगा आपका, जब तक इसका जो कलर है, अभी तो कलर इसका पूरी तरह नहीं बन पाया है, लेकिन जब इसका कलर बन जाएगा, इससे भी गाढ़ा कलर बन जाएगा, ये कई तरह की शाइनिंग देने लग जाएगा। और जब तक आपका एक कलर देता रहता है, जो डार्क कलर होता रहेगा बिल्कुल पानी जैसा, जब तक आपका ये नहीं होगा, जब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ध्यान रखिए, 10 लीटर निकाला 10 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर मिला दें, 20 निकालना 20 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर मिला दें। और जो इसके अंदर हम इसको छान के यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने हर तरह के दाड़ों का पाउडर, भाई ओलिया सीड का पाउडर, हर तरह के पाउडर डाले हैं, तो वो इसके अपनी मशीन को चोक कर सकते हैं। इसको छान के, सूती कपड़े छान के यूज करें और इसको आप 2-3 बार छानेंगे तो आपकी मशीन किसी तरह चोक नहीं होगी। अगर आपने 20 यूज करना है तो 20 लीटर आप वापिस इसके अंदर अपना वेस्ट कल्चर डाल दें, और जो इसके अंदर जो हम छानते हैं और जो छान में हमारा ऊपर जो बच जाता है, कपड़े के ऊपर बच जाता है, वो भी आप इसके अंदर वापस डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी तरह के न्यूट्रेंट होते हैं, उसको बाहर ना फेंकें। लास्ट समय जब हमारा बिल्कुल ये पानी जैसा कलर आ जाता है, जो इसके अंदर जितना भी वेस्ट जो बच जाता है उसको आप खेत में डाल सकते हैं, वो भी खाद का काम करेगा। तो इस तरह से आपको कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको स्टोर कर सकते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जितना ये पुराना होता चला जाएगा, इसके अंदर थोड़ी स्मेल अलग तरीके की हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ये लगभग आदमी जो भी किसान इसको बनाए तो वो लगभग 1.5 साल 1.5 साल लास्ट 2 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो पुराना होगा जो उसके अंदर स्मेल बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, हर फसल के अंदर यूज कर सकते हैं आप, चाहे किसी भी तरह की फसल हो, चाहे आपकी बागवानी की, चाहे आपकी पेड़ पौधे की हो, चाहे भाई आपकी आम फसल हो, गेहूं, ज्वार, जौ, धान, बाजरा, जो भी फसल है, हर फसल के अंदर। क्योंकि कई बार किसान जी मेरा आम का बाग है उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं, मेरा जी किन्नू का बाग है उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी बाग है, हर तरह की खेती पे इसका स्प्रे किया जा सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। और लास्ट में सभी किसानों से एक ही बात कहूंगा, वो किसान दिन में भी सुबह सुबह ही फोन कर देते हैं और रात को फोन कर देते हैं, मैंने किसान भाइयों के लिए स्पेशल 4 से 6 के बीच में किसान भाइयों के लिए टाइम निकालता हूं, मैं स्पेशल उनसे बात करता हूं। जिस किसान भाई ने कोई भी संशय है, किसी को कोई बात पूछनी है, तो वो शाम को 4 से 6 के बीच में ही कॉल करे, इससे अलग कॉल ना करे, क्योंकि हम उसका कॉल नहीं उठा पाते। कॉल नहीं उठाएंगे तो किसान नाराज़ हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कोई किसान हमसे नाराज़ हो, क्योंकि किसानों को हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और आज किसानों के प्यार के कारण हम रेगुलर आपसे रूबरू होते रहते हैं और हमारे अंदर इतनी वो एनर्जी आप किसानों के द्वारा पैदा हुई है, अगर जिससे हम आपकी हर टाइम पर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से आप शाम को 4 से 6 के बीच में कॉल करें और हमारा जो नंबर है वो है 9896484919, यानी कि 98 96 48 49 19। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।